अब बात कर लेते हैं इसके कंपनसेशन पार्ट की। तो कंपनसेशन पार्ट में अगर हम बात करें तो इसका सीटीसी आपके अराउंड होने वाला है सर। जीपीएमसी में पूछा गया ये पजल है जिसमें पूछा गया कि आपके पास 13 जो है ब्लू बॉल्स हैं, आपके पास 12 रेड बॉल्स हैं, ठीक है। एक बंदा जो बैग में हाथ डालता है उसके पास 2 बॉल वो निकालता है, ठीक है। अगर दोनों सेम कलर की आती हैं वो दोनों बॉल्स हटा देगा, बट अगर दोनों सेम कलर की नहीं आती हैं तो क्या करेगा, एक रेड बॉल बैग से निकालेगा और हटा देगा। आपसे पूछा गया है कि बैग में लास्ट बॉल जो बचेगी वो किस कलर की होगी और वो ऐसा क्यों होगा, ऐसा प्रोसेस क्यों होगी वही कलर की लास्ट बॉल बचेगी। तो आप एक बार सोचो ये पजल कैसे सॉल्व करोगे और इसका जो कमेंट जो इसका सोल्यूशन होगा वो कमेंट बॉक्स में बताना। तो जो यार सेकेंड पजल जेपीएमसी में पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि 3 लोग बैठे हुए हैं, 3 दोस्त बैठे हुए हैं अलग अलग कंपनी के, ठीक है। फ्राइडे नाइट है या सैटरडे नाइट है, ठीक है। और वो तीनों डिस्कस कर रहे हैं कि भाई एवरेज सैलरी हम तीनों की क्या निकलेगी, हमको स्टार्टअप करना है, एवरेज कितनी सैलरी हम तीनों की निकलेगी। बट कोई भी बंदा अपनी सैलरी डिस्क्लोज नहीं करना चाहता है, तो बताओ कैसे वो सैलरी बताएं सो दैट किसी की सैलरी भी डिस्क्लोज ना हो और उन तीनों की सैलरी का एवरेज हमें पता चल जाए। जो भी आपका सोल्यूशन होगा कमेंट बॉक्स में लिखना, पजल नंबर 1 का सोल्यूशन एंड पजल नंबर 2 का सोल्यूशन। सर हेलो एंड वेलकम एवरीवन ऑन माय यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन टू प्लेसमेंट। सो आज की वीडियो में बात करने वाले जॉब अपॉर्चुनिटी जो कि है जीपीएमसी की साइड से, ठीक है। और बहुत ही जल्द ये ओपनिंग एक्सपायर हो रही होगी, आप अगर तुरंत वीडियो देख रहे होगे तो आप ओपनिंग में जाके अप्लाई कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं इसके कंपनसेशन पार्ट की। तो कंपनसेशन पार्ट में अगर हम बात करें तो इसका सीटीसी आपके अराउंड होने वाला है 14-15 एलपीए के अराउंड, जिसमें आपका बेस कंपनसेशन हो जाएगा जो कि आपका हो जाएगा 12-13 के अराउंड, बाकी जो रिमेनिंग हो जाएगा दैट विल बी योर साइनिंग बोनस काइंड ऑफ। तो टोटल आपको जो है वो 15 एलपीए के अराउंड यहाँ पे कंपनसेशन मिलने वाला है। बाकी कंपनसेशन आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस कॉलेज से डिपेंड करेगा, ठीक है। तो जो फ्रेशर है वो भी अप्लाई कर सकते हो, जो एक्सपीरियंस है वो भी अप्लाई कर सकती हैं यहाँ पे। सो यार जहाँ पे जो इसका इंटरव्यू प्रोसेस होने वाला है उसमें सबसे पहला आपका हो जाएगा ऑनलाइन कोडिंग राउंड, उसके बाद आपके हो जाएंगे 2 टेक्निकल राउंड और तीसरा आपका हो जाएगा यहाँ पे एचआर राउंड। तो हम बात करते हैं पूरा इंटरव्यू प्रोसेस की कि कैसे कैसे आपको करना है, कैसे इस जॉब अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल तरीके से फोड़ना है। सर कोडिंग क्वेश्चंस की अगर हम बात करूं तो यहाँ पे आपको 2 कोडिंग क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। फर्स्ट कोडिंग क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि द वर्ड्स कास्टेड बाय एन पीपल वाज अ इनपुट, ठीक है। एक आपको क्वेश्चन दे दिया गया जिसमें आपको बताना है रिजल्ट्स बताने हैं किसी एक इलेक्शन के। वोट कास्टेड बाय एन पीपल, एन लोग हैं जो कि वोट दे रहे हैं जो कि इनपुट है, भाई उसने बोला कि हम ए को दिए, बी को दिए, सी को दिए, इस टाइप से। विच वॉज द स्ट्रिंग एरे हुज आयथ एलिमेंट वॉज द नेम ऑफ द पर्सन फॉर हुम आयथ पर्सन कास्टेड द वोट, ठीक है। मान लो मैं हूं, मैंने बी को वोट दिया है तो या 2 को वोट दिया तो वहां पे 2 लिखा होगा मेरी पोजीशन पे जहां पे मैं खड़ा हूं। द पर्सन विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स वाज द विनर एंड इन केस ऑफ अ टाई द पर्सन विद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द वोट्स अल्फाबेटिकली ग्रेटेस्ट शुड बी द नंबर, ठीक है। अगर यहाँ पे अल्फाबेटिकली है देन अलग केस है, अगर अल्फाबेटिकली है या नहीं है, बट यहाँ पे आपने एक बहुत ही सिंपल एल्गोरिदम पढ़ी होगी जो मैं बताऊंगा, मूरे वोटिंग एल्गोरिदम, ठीक है। बिल्कुल वही क्वेश्चन है, यहाँ पे इन्होंने एल्गोरिदम का नाम नहीं लिया बट वही क्वेश्चन है, क्योंकि मूरे वोटिंग एल्गोरिदम जो बनी है वो इसी चीजों के लिए बनी है कि आपको बताना है कि विनर कौन है, ठीक है। हाफ ऑफ द वोट उस टाइप से रहता है, ठीक है, बट विनर कौन है यहाँ पे, तो आप मूरे वोटिंग एल्गोरिदम से बिल्कुल प्रॉपर तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी, ठीक है, विच कैन बी सॉल्व विद द मूरे वोटिंग एल्गोरिदम। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं इट वॉज बेस्ड ऑन द डायनेमिक प्रोग्रामिंग, तो डीपी पे सेकंड क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन है क्या वेट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम प्रॉब्लम है, ठीक है। तो बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं टेक्निकल राउंड 1 की। तो टेक्निकल राउंड 1 में वाटर सेलेक्टर, वेरियस टाइप्स ऑफ सीएसएस एंड एचटीएमएल पेजेस, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन यहाँ पे एचटीएमएल फ्रंट एंड वगैरह पे हो रहे हैं, उसके बाद आपकी डीएसएस स्किल्स पूछी गई हैं, प्रोजेक्ट्स पे डिस्कशंस हुए हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिस्कशंस हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आपका टेक्निकल इंटरव्यू इस फॉर्मेट में जाएगा, ठीक है। तो मेजरली आपको मैं बताऊं तो अगर सीएस कोर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो, प्रोजेक्ट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो, 2 प्रोजेक्ट्स रखो आप अपने रिज्यूमे में अच्छे से प्रिपेयर करो, यू विल नेल इट, ठीक है। उसके बाद आपकी डिस्कशंस की बात करूं तो मीडियम से ऊपर कोई भी क्वेश्चन आपका डिस्कशन का यहाँ पे नहीं पूछा जाने वाला है, सारे मीडियम लेवल के क्वेश्चंस होने वाले हैं, आपको अच्छे से क्या करना है प्रिपेयर करके जाना है। अगर यहाँ पे मैं कोडिंग क्वेश्चन और डीएसए वाले क्वेश्चंस की बात करूँ तो एनथ नोट फ्रॉम द एंड ऑफ द ली डब्ल्यू लिंक, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपने बहुत बार सॉल्व करा होगा अपने कॉलेज टाइम में, ठीक है। टेल इफ अ स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम और नॉट, ठीक है भाई, केक वॉक क्वेश्चन, वेरी इजी, उसने बंदे ने भी लिखा है और एक्चुअली दिस इज वेरी इजी कि स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं है। उसके बाद बोला गया इट वाज रिलेटिवली इजियर राउंड फॉर मी, सेकंड राउंड अगेन इजियर, फर्स्ट राउंड भी इजियर ही था, ठीक है। यहाँ पे 2 पजल्स पूछे गए हैं जिसमें ये पहला वाला पजल्स है मेजरिंग 45 मिनट्स यूजिंग 2 आइडेंटिकल वायर्स, ठीक है। ये वाला हम लोग पजल अपने शॉर्ट्स में कवर कर चुके हैं कि आपको 45 मिनट्स जो है मेजर करने हैं, 2 आइडेंटिकल वायर हैं, एक एंड से जला दोगे आग लगा दोगे वो वाला सीन रहता है।
तो आप क्या करोगे, इसको वायर को आग लगाओगे, 30 मिनट जलने में लगता है, ऐसा कुछ कुछ सीन था। तो आप एक बार जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। या रॉड कट करने वाला क्वेश्चन आता है, तो वो सारे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। वेइंग 10 बैग सोल्यूशन, ठीक है, 10 बॉल्स को या 10 बैग को आपको जो है वेट करना है, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ कितने आप वेट जो है वो करोगे अटेम्प्ट, ठीक है, वो क्वेश्चंस हो गए। तो सिंपल पजल्स क्वेश्चन है, पजल्स तो आपको प्रिपेयर करके जाने हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने पजल्स आपको बताए हैं, ठीक है, पजल सारे अच्छे से प्रिपेयर करके जाने हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसको आपको अप्लाई कैसे करना है। तो इसका जो आपका अप्लाई बिफोर है वो है 30/12, ठीक है। तो 2-3 दिन में आपको इस चीज को अप्लाई कर देना है। वीडियो आज शाम तक आ रहा होगा जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। बताना वीडियो कैसा लगा। यहाँ पे BS BA डिग्री और इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस वाले भी अप्लीकेबल हैं। तो BA वाले बहुत लोग मेरे टेलीग्राम चैनल में बोलते हैं कि भैया एक BA वालों की जॉब अपॉर्चुनिटी भी लेके आओ, तो यार आपके लिए है, ठीक है, जाके अप्लाई करना, प्रिपेयर करना। अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो देन दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू स्टार्ट योर करियर विद, या आप अगर किसी और कंपनी में हो टू स्विच टू अ बेटर करियर, ठीक है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बताना वीडियो कैसा लगा, पजल्स के सोल्यूशन जरूर बताना, क्योंकि इसी तरीके से हम लर्निंग कर सकते हैं, पजल्स इसी तरीके से हम सीख सकते हैं। अगर आप कमेंट में लिखोगे तो हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूंगा कि पुरानी वीडियो के पजल्स डिस्कस करूं, देन वी विल गो विद द नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन यू आर मिसिंग वेरी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी फ्रॉम द न्यूटन स्कूल, जो कि है फुल स्टैक डेवलपमेंट प्रोग्राम। जैसा नाम वैसा काम, आपको सारी चीजें यहाँ पे सिखाई जाएंगी, फ्रंट एंड बैक एंड फुल स्टैक की सारी चीजें जो भी रिक्वायर्ड होती है आपके प्लेसमेंट्स के लिए, आपकी एक अच्छी जर्नी के लिए, आपको अप स्किल करने के लिए, तो वो सारी चीजें यहाँ पे मिल रही होंगी। ये कोर्स आपका होगा बहुत ही फ्लेक्सिबल ड्यूरेशन में, 3 मंथ 6 मंथ एंड ईयर, ठीक है। तो आप जब चाहो तो कंप्लीट कर सकते हो। और बहुत अच्छी चीज है वो है यहाँ पे EMI ऑप्शन। तो आपको कोर्स की पूरी फुल पी कुछ नहीं देना है, एक EMI ऑप्शन से आपका स्टार्ट होगा। एंड व्हेनेवर यू वांट यू कैन कंप्लीट दैट कोर्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जाके ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं स्टूडियो में, टिल देन बाय बाय।